ये कार्बोजिलिक एसिड स्टेप वर्कशीट के एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट एसिड। अच्छा, ये आपको मुख्तलिफ तरीकों से आ सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं वीकेस्ट एसिड, आपसे पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट पीएच, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्मॉलेस्ट के वैल्यू, ये आपसे पूछ सकते हैं, लार्जेस्ट भी के वैल्यू, ठीक, यही सेम क्वेश्चन यही आपको दे सकते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है ना, वो एसिडिटी को डिक्रीज करता है। हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इसकी एसिडिटी को डिक्रीज करेगा, दैट्स वाई ये ऑप्शन करेक्ट। बाकी क्लोरीन देख लो, ये आर तो पैरा है बट ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें तीन क्लोरीन है, इसमें एक है। फिर अब अगर इनमें आ जाए ना, इनमें स्ट्रांगेस्ट कौन सा है, इसमें स्ट्रांगेस्ट ये तीन वाला होगा, फिर उसके बाद टू वाला होगा, फिर उसके बाद एक वाला होगा, और CH3 ये तो सबसे वीकेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली फ्रॉम कार्बोजिलिक एसिड। तो विच आर द फॉलोइंग एसिड कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली फ्रॉम कार्बोजिलिक एसिड, तो एमाइड वाला है, ठीक है, ये हिलाइड वाला, क्योंकि इधर पहले अमोनिया के साथ पहले साल्ट बनता है, फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, बाकी जो ईस्टर हैं, हिलाइड हैं, ऐसा ये डायरेक्ट बनते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज टू प्रिपेयर कार्बोजिलिक एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से कार्बोजिलिक एसिड मिलते हैं, बाई एसिड हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस अगर किसी की भी इनमें से करो ना, या नाइट्रिल होगा, इनसे भी बनेंगे, कोई भी कार्बोजिलिक एसिड का डिराइवेटिव ले लो, उनकी हाइड्रोलाइसिस करो, आपके पास बनेंगे। बाई रिएक्शन ऑफ RMG, इनको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करो, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड से कार्बोजिलिक एसिड नहीं बनते, वो फिर कीटोन में, सॉरी अल्कीन में जाएगा, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू प्रिपेयर एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड किस तरह प्रिपेयर होते हैं, तो डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोजिलिक एसिड करते हैं विथ P2O5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, फिर अगेन वही बात है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का पूछ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने किया है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा ना, वो एसिडिटी को डिक्रीज करता है, सारों में डोनेटिंग ग्रुप है तो ये तो डिक्रीज करेंगे, इसमें स्ट्रांगेस्ट का पूछा है तो ए वाला करेक्ट हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग हेलो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोजिलिक एसिड इज द स्ट्रांगेस्ट एसिड, फिर वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाले स्ट्रांगेस्ट एसिड, वीकेस्ट एसिड, इनमें पूछते रहते हैं। तो फिर विथड्रॉइंग ग्रुप जहाँ पे स्ट्रांग हो, फ्लोरीन, वी नो दैट कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये सबसे स्ट्रांगेस्ट होगा। वीकेस्ट कौन होगा, आयोडो वाला सबसे वीकेस्ट होगा, फिर ब्रोमो वाला थोड़ा स्ट्रांगेस्ट, फ्लोरो वाला थोड़ा उससे स्ट्रांगेस्ट, फ्लोरीन वाला फिर इन सारों से स्ट्रांगेस्ट। सेवंथ वन है ऑर्गेनिक एसिड कंपाउंड एक्स एंड वाई रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड जेड, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड एक्स वाई एंड जेड बी, तो अल्कोहल और एसिड से ईस्टर बनता है, ये बात तो करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट ईस्टर होता है। वाइनगार क्या होता है, इट्स अ 4-5% एथेनोइक एसिड, रेंसिड बटर ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है, कार्बोजिलिक एसिड। अब ये रट्टे पॉइंट है, ये याद करने वाले, एक बुकों में मेंशन होते हैं, ठीक है, जोन सी पेपर से आपका मेंशन होगा, लाजमी KP में मेंशन है ये। कार्बोजिलिक एसिड हैव ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इट हैज अ प्लेनर स्ट्रक्चर, sp2 है तो प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन डबल बॉन्डो 120 पिकोमीटर, बॉट एंगल ऑफ कार्बन डबल बॉन्डो और एच ये 124 है, ये ज्यादा है, ठीक, बॉन्ड एंगल ऑफ सिंगल बॉन्ड जो होगा ना वो फिर ज्यादा होगा, वो फिर 120 नहीं होगा, सॉरी वो कम होगा, ठीक है, एंगल बॉन्ड लेंथ होता तो वो HOC डबल बॉन्ड O, ये आई थिंक 111 होता है, ठीक है, तो ये कम होता है। 13 है कि 11 हो गया था, ठीक है, सी डबल बॉन्ड हो देख लो ना, वो 124 है, ये ज्यादा होता है, सॉरी फिर मैं गलत हो गया, ये ज्यादा होता है, ये 125 होता है, ठीक है, ये बिल्कुल बुक में मेंशन है, ये स्ट्रक्चर आप अगर स्ट्रक्चर देख लेना वहां पे मेंशन है, ये आप लोग देख लें, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल है,
फिर यहाँ पे ऑक्सीजन और अल्कोहल का ये चारों बॉन्ड एंगल है, ये आप लोग देख लें। द मोनोकार्बोजिलिक एसिड आर मोनोबेसिक एसिड विच आर द फॉलोइंग इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये सी वाला करेक्ट है, यही इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, हाइब्रिड। विच आर द फॉलोइंग हैज कंपैरेटिवली लेस एसिडिक कैरेक्टर। ये एक ट्रेंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर स्ट्रॉन्गर देन एसिड देन फिनोल, फिनोल आर मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, वाटर आर मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। अब लेस एसिडिक तो अल्कोहल हो जाएगा, बी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 14. विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द डिराइवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कनाल, ये एल्डिहाइड के लिए यूज होता है। विच क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूज फॉर आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग इन जैम, ईस्टर जो होते हैं ये फ्लेवर में यूज होते हैं। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट रेडिली विद NaO। अच्छा देखो, इसका भी ट्रेंड है रिएक्टिविटी का, हेलाइड मोर रिएक्टिव देन एनहाइड्राइड, मोर रिएक्टिव देन ईस्टर, और एमाइड सबसे कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये हेलाइड वाले सबसे ज्यादा, एसिड हेलाइड। इन द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, देखो फिर वही पहला क्वेश्चन, जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग वाले होंगे वो स्ट्रांगेस्ट होंगे। तो NO2 इज अ स्ट्रांग विदड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। तो ये सबसे स्ट्रांगेस्ट एसिड। अब देखो फोर कहीं पे पहले लिखा हुआ है, इसमें पहले नहीं है, इसमें पहले नहीं, इसमें पहले, तो इसका मतलब है डी आपका ऑप्शन कंफर्म 100% करेक्ट है। अब इसके बाद क्लोरीन आपको पता है वो भी विदड्रॉइंग है, ठीक है, बट NO2 से कम है, तो ये 3 हो जाएगा। इसके बाद फिर देखो, एक में CH3 डोनेटिंग ग्रुप है, एक में नहीं है, तो जो डोनेटिंग है वो तो कम हो जाएगा, फिर पहले वो आ जाएगा, पहले 1 वाला आ जाएगा, उसके बाद डोनेटिंग, वो सबसे वीक है। द एसिड विच इज़ यूज एज इंक रिमूवर, वो कौन सा एसिड है, वो ऑक्सालिक एसिड है। रट्टा पॉइंट है, बुक में मैंशन होंगे, ना मैंशन हो याद कर लो, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाई एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथेन नाइट्रिल, इथेन नाइट्रिल है, तो दो कार्बन वाला है, इथेन नाइट्रिल कार्बोक्सिलिक एसिड का डिराइवेटिव है। इसके ऑक्सीडेशन करोगे या हाइड्रोलाइसिस करोगे, जिसकी जिस कोई भी उसका डिराइवेटिव हो तो उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इथेन है तो इथेनोइक एसिड ही बनेगा। और कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी एमाइन, द करेक्ट नेम ऑफ द अबव, करेक्ट नेम इसके लिए कौन सा करेक्ट है। देखो दो मिथाइल है, एक तो ठीक है, इन सारों में पोजिशन है, ठीक। अब एक 1, 2 पे है, 3, 4 एक 2 पे है, 4 पे है, 2, 4 कहीं पे मेंशन है, इन तीनों में 2, 4 नहीं है, पहले वाले में 2, 4 है, यही ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड विद एमोनिया गिव, कौन सा प्रोडक्ट देते हैं, इथेनामाइड देते हैं, ठीक है, पहले साल्ट बनाते हैं उसके बाद अल्कनामाइड। विच आर द फॉलोइंग डिराइवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज द मोस्ट रिएक्टिव, पीछे हमने ट्रेंड पढ़ा, एसिड हैलाइड मोस्ट रिएक्टिव है। और इन विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन एसिड क्लोराइड प्रोड्यूस एल्डिहाइड, एसिड क्लोराइड जिसमें एल्डिहाइड, तो जब इसकी रिडक्शन करो मीन हाइड्रोजन ऐड करो, ठीक है, तो रिएक्शन विद H2 ये करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि अच्छा देखो ना, H2 से ये लोग एल्डिहाइड देते हैं, अगर एसिड हैलाइड को NH3 के साथ करोगे एमाइड देंगे, इनकी हाइड्रोलाइसिस करोगे तो जितने भी डेरिवेटिव है वो कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, और अल्कोहल के साथ इनको करोगे ना, जैसे अल्काइल हैलाइड विद अल्कोहल ईथर देते हैं, इसी तरह एसिड हैलाइड विद अल्कोहल ईस्टर देते हैं। व्हिच आर द फॉलोइंग डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज लीस्ट रिएक्टिव, एमाइड ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। बिल्कुल पीछे एक मैंने दिखा दूँ फिर से आप लोग, ये हमने यहाँ पे किया, ठीक है, कि एसिड हैलाइड वाले ज्यादा रिएक्टिव है एनहाइड्राइड से, ईस्टर से, और फिर एमाइड लास्ट। फिर है व्हेन सीवर्ड एसिड डायरेक्टली टू द बेंजीन रिंग, सो बेंजीन रिंग द एसिड इज स्कार्ड, ये फिर क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक एसिड, क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक है ना। द कॉमन नेम ऑफ प्रोपेन 1,3 डाइओक एसिड मीन डबल, दो COH मौजूद हो, तो ये मेलोनिक एसिड के लिए है, ठीक है,
और द कॉमन थिंग इन फिटेलिक एसिड एंड एक्सेलिक एसिड इज बोथ आर दैट बोथ आर दोनों डाइकार्बोजिलिक एसिड है, फिटेलिक एसिड एरोमेटिक है और एक्सेलिक एसिड फिर स्ट्रेट चेन में है। द इरिटेशन कॉज्ड बाय रेड एंट, रेड एंट में कौन सा एसिड होता है, फार्मिक एसिड होता है, ठीक है। वाइनगार में एसिटिक एसिड होता है। कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस, कन्वर्जन ऑफ एक्स इन टू वाई, वाई इन टू, देखो ना रिएजेंट दिए हुए, अब आप लोगों ने प्रोडक्ट मालूम करने। अल्कीन है, अल्कीन की क्या कर रहा है, H2SO4 मीन वाटर हाइड्रोलाइसिस कर, अल्कीन की जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो X बनेगा H और OH, ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन कर रहे हो, आफ्टर दैट कार्बोजिलिक एसिड विल फॉर्म ऑक्सीडेशन से, ठीक है। एक्स अल्डिहाइड, वाई कार्बोजिलिक एसिड, फिर क्या कर रहा है, CH3 हाइड्रोजन आयन, लास्ट में आपके पास बन जाएगा मिथाइल हाइड्रोक्साइड, कार्बोजिलिक एसिड बन गया आपके पास, ठीक है। कार्बोजिलिक एसिड से फिर अल्कोहल, कार्बोजिलिक एसिड विद अल्कोहल आपको ईस्टर देता है, दैट्स व्हाई आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ईस्टर देते हैं, कार्बोजिलिक एसिड विद अल्कोहल का रिएक्शन आपको ईस्टर देते हैं, बट कौन सा ईस्टर देगा, ईस्टर तो सारे में, सारों में, ये दो कार्बन है ना, अल्डिहाइड भी दो कार्बन वाला बनेगा, कार्बोजिलिक एसिड दो कार्बन वाला बनेगा, ठीक है, अल्डिहाइड दो कार्बन वाला, कार्बोजिलिक एसिड भी दो कार्बन वाला, बट अब ये एक आर वहाँ से आ रहा है तो फिर ये तीन कार्बन हो जाएंगे, एक दो तीन, इसमें तीन है, दैट्स व्हाई आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। विच आर द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, फार्मिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, फिर से वही बात, कार्बोजिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर होते हैं वाटर से, ये बात तो गई, ठीक है, तो वाटर तो गए, अब ये रह गए, इनमें तीन कार्बन लगे हुए, मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। विच एसिड इज मैनुफैक्चर बाई सिंथेटिक रबर, एसिटिक एसिड, रट्टा पॉइंट है, याद करो, कोई कंसेप्ट दिन में नहीं है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग रिएजेंट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथनोइक एसिड एंड एथनोइक एसिड, कौन सा टेस्ट यूज होता है, ये अपने टेस्ट याद करने हैं। तो मेथनोइक एसिड में देखो ना अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हैं तो फिर टॉलन रिएजेंट इनके साथ रिएक्ट करेगा, और उसके साथ नहीं करेगा क्योंकि उसमें तो फिर CH3 आ जाता है, इधर तो सी डबल बॉन्ड हो मुझे। द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड कंबाइन इन अ पेप्टाइड चेन इज रेफर टू हैज डैश ऑफ प्रोटीन, ये मैक्रोमॉलिक्यूल वाले MCQ है, ठीक है। इट्स अ प्राइमरी स्ट्रक्चर, द डैश स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इज रेगुलर कॉइलिंग और जिग जैगिंग ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन कॉज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कोफैक्टर करेक्टली मैच विद देयर रिस्पेक्टिव एंजाइम एक्सेप्ट, कौन सा इनकोरेक्ट, ये बिल्कुल बायो की तरह है ये वाला चैप्टर, आप लोगों को इसको याद रखना है, ठीक है। तो बुक लाइन पढ़नी इसके लिए कि ये कह रहे हैं कि ये वाला रंग है, बाकी ये सारे करेक्टली मैच हैं इसके साथ। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन की एग्जांपल कौन सी हैं, ओलिगोपेप्टाइड्स, कोलाजन, ये सिंपल प्रोटीन में आता है, एल्बुमन वो भी सिंपल में आता है, ओलिगोपेप्टाइड ये डिराइव्ड है, लाइपोप्रोटीन ये कंजुगेटेड है, ठीक है, कंपाउंड में आते हैं। द स्पेसिफिक सब्सटेंस दैट फिट ऑन द एंजाइम सरफेस एंड इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, वो सबस्ट्रेट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड एज फूड फैक्टर, न्यूक्लिक एसिड, द एंजाइम दैट कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप कौन काज करते हैं, आइसोमरेजेस हैं ये, और कोलाजन प्रोटीन आर प्रेजेंट इन, कोलाजन प्रोटीन टेंडोन थ्रू आउट द बॉडी, ओके। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है।